तस्वीरें आप दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज की देख रहे हैं। बता दें, वसंत कुंज दक्षिणी दिल्ली के पोश इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी सड़कों पर जब आप ध्यान देंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि ये पोश एरिया है या स्लम एरिया है। बता दें कि वसंत कुंज की ओर जाने वाली सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वाहनों को यहाँ से रेंग रेंग के निकलना पड़ता है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। आइए जानते हैं लोगों को और कितनी समस्याएँ हो रही हैं इस सड़क की वजह से। ये हमेशा से ऐसी रही है, यहाँ पे कोई भी जो भी नेता बनता है यहाँ का, वो इतना भी ध्यान देते हैं। तो हम तो यही अपील करेंगे कि इसको बनाई जाए, ठीक है। बरसात में यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, तो हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि इनके थोड़ा सा वो ध्यान दें। इसके साथ में और क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे समस्या सफाई वफाई को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो काउंसलर हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। प्रशासन से क्या अनुरोध करते हैं? अनुरोध यही है कि इसकी इनका थोड़ा सा देखभाल और थोड़ा सफाई रोडों को करा जाए, जो भी व्यवस्था है उसको ठीक की जाए। सड़क पर इतने गड्ढे हो रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? आप देखो कितना परेशानी है, पब्लिक निकलती जाती है, बारिश में सारे सीवर पानी सारे जाम रहते हैं। देखो आगे आगे चल के देखो। प्रशासन से क्या अनुरोध कर रहे हैं? बारिश में बहुत दिक्कत आती है, इसमें पानी वानी भर जाता है, तो बस मेन प्रॉब्लम तो यही है। तो सर इसकी शिकायत कभी किसी को करें सड़क की? अब किसको करें, आप मुझे आप कोई कर सकते हैं, और किसको करें? प्रशासन से आप क्या अनुरोध करते हैं? शासन से ये अनुरोध करते हैं कि इसको मेंटेन करें रोड को, और सफाई कर्मचारियों को डेली करवाएं सफाई। उनको की हुई है, अपने यहाँ के अभी नए पार्षद भी बने हुए हैं, उनको फ्री हुई है जी, जिसको जैसे जैसे गाँव की समस्या सुनी जाएगी, जैसे जैसे कहाँ तक काम पहुँचता है जी, बोल तो रहे काफ़ी लोगों को। न्यूज़ 10 इंडिया से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।